जब से गाजा में इसराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है तब से यमन के हुती विद्रोही एक्टिव हो गए हैं। गाजा में इजरायली हमले के विरोध में हुतियों ने जहाजों का शिकार बनाना शुरू किया। लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक गुजरते जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा जहाजों को अब तक नुकसान पहुंचाया जा चुका है। तो वहीं हुतियों के हमले से कई जहाज समंदर के आगोश में समा गए। हुतियों के हमले खास तौर से इसराइल, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों पर ही हो रहे हैं। लंबी दूरी के रॉकेट, मिसाइल और खतरनाक ड्रोनों ने पश्चिम देशों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल हुती विद्रोही लाल सागर के एक बड़े तटीय इलाके पर कब्जा रखते हैं और यहीं से वो जहाजों को निशाना बनाते हैं। लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा पर मंडराता खतरा इतना बड़ा हो गया है कि प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने अब इस इलाके से जहाजों का गुजरना बंद कर दिया है। एक बार फिर हुतियों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए और इजरायली कार्रवाई का विरोध जताते हुए बड़ा हमला कर मिडिल ईस्ट में सनसनी मचा दी है। ईरान समर्थित यमन के हुती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता यहया सारी ने इसका खुलासा किया है। बताया गया कि हुती विद्रोहियों ने लाल सागर और बाब अल मंदब स्ट्रैट में बड़ा हमला किया। समूह ने लड़ाकों के कई बैलिस्टिक और नौसैनिक मिसाइलों और ड्रोन के साथ ताबड़तोड़ हमला किया। हुती लड़ाकों ने पोर्ट 440 को दो बार अपना निशाना बनाया। ऐसा दावा किया जाता है कि हुतियों का ये हमला एकदम सटीक रहा। बता दें कि ये स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है, जो व्यापार के नजर से बेहद अहम सी रूट माना जाता है। نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة تشارلز ليس وذلك في البحر الأحمر وباب المندب وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وتم استهدافها مرتين الأولى في البحر الأحمر والثانية في باب المندب وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة غور طلب ہے کہ بیتے دنوں ہی یمن کے ہوتی ودروہیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ عرب ساگر کے پاس امریکی جھنڈے والے جہاز پر اب تک کی سب سے لمبی دوری کا حملہ کیا जोरदार हमला बाब अल मंडेब स्ट्रेट में किया गया था। खास बात है कि हुतियों का ये अचानक किया गया हमला विद्रोहियों की ओर से करीब डेढ़ सप्ताह के बाद आया था। ये हमला इतना भीषण होगा इसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं लगाई थी। ऐसा दावा किया गया कि यूएसएस ड्वाइट डी एसन हॉवर ने स्वदेश लौटने के बाद इलाके में आने वाले नए अमेरिकी विमान वाहक जहाजों के पहले विद्रोही फिर से संगठित हो रहे हैं। इस बीच यमन के हजारों की तादाद में लोगों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए देश भर के शहरों से मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इसराइल से जुड़े जहाजों के खिलाफ हुतियों के हमलों का समर्थन करते हुए अमेरिका की निंदा की। यमन में निकाली इस रैली को अब तक की सबसे बड़ी रैली का नाम दिया जा रहा है। इसमें फिलिस्तीनियों के लिए लगातार समर्थन और इसराइल के सहयोगियों के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार की मांग की गई।